हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं यार अपनी गैस का रिचार्ज करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर शेयर करने वाला हूँ कि मैं कैसे करता हूँ। बेसिकली यार आज मंथ एंड है ना, 27 फरवरी है, तो रिचार्ज तो करना ही था, तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर देता हूँ एक वीडियो बना के जो भी मैं कर रहा हूँ। तो आप लोग देखना इस वीडियो को। तो इस वीडियो में मैं ये भी शो करने वाला हूँ कि यार मेरा कंजप्शन है वो कितना होता है महीने का, और एवरी मंथ जो उसका चार्जेस हैं कितने हैं। पहले कम होते थे चार्जेस, अब बढ़ गए हैं, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो बने रहो इस वीडियो में, आप लोगों को दिखाता हूँ सब कुछ। तो यार हमारा मीटर है वो नीचे है, तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक का मीटर है, और ये है हमारा गैस का मीटर। ये नीचे वाला है ग्राउंड फ्लोर का और ऊपर वाला है हमारा। तो इसको खोलने के लिए लगेगी हमें की, ठीक है? तो बेसिकली ये रीडिंग है, हमें ये रीडिंग नोट डाउन कर लेता हूँ मैं, 03824, ठीक है? ये बाकी रेड वाली नोट करने की ज़रूरत नहीं है, और इसको मैं ऐप में डालूंगा, और ऐप में डालने के बाद हमारा बिल जनरेट हो जाएगा। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे करता हूँ। बेसिकली तीन चार टाइप होते हैं मतलब रिचार्ज करने के। एक तो हमारे वाला है जो मैंने आपको दिखाया अभी, ठीक है? एक होता है कि यार एक कार्ड होता है, पहले उस कार्ड को टॉपअप करवा के लाओ और फिर उसको मीटर में इंसर्ट करो और वो रिचार्ज हो जाता है, ठीक है? और दूसरा है यार ये जो हमारे वाला है, ये तो आपको मैं दिखाई रहा हूँ। और तीसरा एक और होता है कि वो स्मार्ट मीटर होता है, और स्मार्ट मीटर को आप लोग रीडिंग होती है जो ऑटोमेटिकली उनके पास चली जाती है, और आपका खुद से अकाउंट में डेबिट हो जाता है जितना भी पैसा बनता है महीने का, जो भी होता है। और जो ये गैस है ना, इससे हमारे यार यहाँ पे एक तो गैस का चूल्हा है जिसमें कुकिंग होती है वो चलती है, दूसरी चलती है बॉयलर चलता है, मतलब कि पानी को गर्म करने के लिए, ठीक है? तो दो ही चीज़ों के लिए हम गैस यूज़ करते हैं, तो इन चीज़ों को ही हम यूज़ करते हैं। बाकी हीटिंग वगैरह के लिए हम इलेक्ट्रिक वाला यूज़ करते हैं, ठीक है? तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी। तो आगे अभी मैं स्क्रीन पे और ये स्कॉटिश ऐप पावर ओपन करता हूँ। ये ओपन हो रही है अभी, और इसका बैलेंस है भाई मेरा इसमें 3 पाउंड। और मीटर रीडिंग में जैसे मैं गया, तो जो मैंने वो मीटर रीडिंग लिखी थी ना, तो उसको मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ठीक है? और उसके बाद सबमिट कर देता हूँ, और अब मेरा न्यू बिल जनरेट हो जाएगा। और ये नया बिल आया भाई 73.85 पाउंड, ठीक है? और पुराना 3.48 था, तो कुल मिला के 77 हो गया। बैक गए वहाँ पे, तो अभी भाई इसको मैं ना पे कर दूँगा इस बिल को। तो अब जाता हूँ माय पेमेंट्स में और मेक पेमेंट, और उसके बाद यहाँ पे मैं पे कर रहा हूँ 75 पाउंड, और कंफर्म करता हूँ। कार्ड मेरा ऑलरेडी सेव्ड है, CVV डाल के और मेक पेमेंट कर देता हूँ, और पेमेंट हो गई है, ठीक है? तो अपडेट होने में थोड़ा टाइम लेगा, तो अभी मैं आप लोगों को ना एनर्जी यूजर्स दिखाता हूँ कि कितनी मतलब मेरी एनर्जी यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है? टाइम टू टाइम एवरी मंथ। तो इसमें दिखा रही है ये 2023 का डेटा है, इस महीना 57 पाउंड, लास्ट मंथ जनवरी में 64 पाउंड। 2022 में जाते हैं तो ये है अप्रैल से स्टार्ट किया 2 पाउंड, 26, फिर उसके बाद 27, फिर उसके बाद जुलाई में 21, अगस्त में 24 पाउंड, और ये इंक्रीज़ हो रही है हर महीने 28 पाउंड, और यार अक्टूबर में जाके तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, 53 चार्जेस बढ़ गए ना उसके, 57, फिर उसके बाद 62। तो मतलब कंजप्शन ऑलमोस्ट उतनी ही है, बट चार्जेस बढ़ गए, ऑलमोस्ट डबल हो गए चार्जेस अब 2023 में। अभी जो मेरा बिल जनरेट हुआ है ना, वो हुआ 73 पाउंड का, बट इसमें 57 दिखा रहा है। मे बी कोई एरर है, एक दो दिन में शायद सही हो जाएगा ये। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे मैंने रिचार्ज किया, ठीक है? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक्स गाइस, बाय बाय, टेक केयर।